हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में समझेंगे कि गुडविल कैलकुलेट करते वक्त किस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज किया जाता है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए एक बिजनेसमैन है और ये इसका एक बिजनेस है या कह लीजिए इसकी फर्म है, जिसमें इसने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे। क्या करे? 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे। जब इसने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे अपने फर्म में या अपने बिजनेस में, तो एक मार्केट में रेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि मान लीजिए 10% है। ये आपके क्वेश्चन में डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा इसको 10 लाख की कैपिटल लगाने के बाद। अब जो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको ही बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका क्या है वो समझते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करूँ तो हमें पता चलेगा कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट इस बिजनेसमैन को कितना होगा। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करिए 10 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 100। आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपके पास आएगा 1 लाख रुपीज, मतलब कि 10 लाख कैपिटल लगाने के बाद इसको 1 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर द मार्केट वैल्यू। तो 1 लाख का क्या हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। बट इसके बिजनेस में इसको जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है ना, एवरेज प्रॉफिट इसको कितना हुआ है? एवरेज प्रॉफिट इसको हुआ है 3 लाख रुपीज का। अब इसको एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का क्यों हो गया? हो सकता है इसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी हो, जिस रीजन से इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भी ज्यादा हो रहा है, जिसको आप एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे 3 लाख रुपीज। जिसको मैं समझा चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के जो भी प्रॉफिट दे रखे होंगे, आपको उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ ईयर से, आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इस बिजनेसमैन को एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपीज का, नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे अब आपको जो डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस को आप बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होगा। जब आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो ये आपके पास 2 लाख रुपीज आएगा। तो ये 2 लाख रुपीज जो कैलकुलेट हुआ है, ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और लास्ट में तो हम गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? आपको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मुला होता है। सुपर प्रॉफिट जो आपको पता चला डिफरेंस लेके 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन होती है। अगर मैं इसकी समरी करूं तो आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। दूसरे फॉर्मूले में आपको सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी प्रॉफिट आपको ईयर के प्रॉफिट गिवन हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दीजिए, आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। और लास्ट में आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मुला यूज करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यही 3 फॉर्मूले सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज होंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।